सो हाय फ्रेंड, आई एम शुभ एंड यू आर वाचिंग माय चैनल IMSR7 गेमिंग। सो फ्रेंड, मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आया हूं पोकेमोन यूनाइट से रिलेटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड, आज मैं आपको ओहो पोकेमोन के बारे में बताने वाला हूं, उसकी रिलीज डेट भी बताऊंगा और वो कैसे आपको फ्री मिल सकता है ये भी बताने वाला हूं। और उसके साथ साथ भाई, उसके मूव सेट आ चुके हैं तो उन मूव सेट को भी मैं बताने वाला हूं डिटेल में कि उन मूव सेट से क्या क्या हो सकता है। और उसका यूनाइट मूव तो तुम लोगों को पता ही है भाई, ओपी है। तो वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला भाई, फटाफट लाइक कर दो। आज का लाइक है मैं भाई 50 लाइक्स का, तो भाई कंप्लीट करवा देना। तो चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले भाई मूव सेट से शुरू करते हैं। तो सारे मूव सेट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं आपको रिलीज डेट बताऊंगा, मतलब कि ये कब आ सकता है। मतलब रिलीज डेट अभी तक तो आई नहीं है, बट ये पोकेमोन आपको कब तक देखने को मिल सकता है पोकेमोन यूनाइट के अंदर, ये मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये कैसे फ्री में देखने को मिल सकता है। तो ये भाई ओहो का सबसे पहला मूव सेट है। तो इसके अंदर भाई आपको एक शील्ड मिल जाएगा, जिससे जो सामने वाले पोकेमोन होंगे, जो ओपोनेंट पोकेमोन होंगे, उनका डैमेज रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कि आपको ज़्यादा डैमेज नहीं मिलेगा और आपका स्पीड, जो मूवमेंट स्पीड है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब बात करते हैं अर्ली गेम के सेकंड मूव के बारे में। तो इसके अंदर एक विंड वोर्टेक्स बन जाएगा, जिससे कि सामने वाले पोकेमोन को डैमेज मिलेगा और उसके साथ साथ जो अपने एलाइज होंगे, अगर वो हमारी सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, बट अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी। तो लेवल अप होने के बाद भाई, जो मूव वन में आपको पहला मूव मिलेगा वो ये होगा। इसके अंदर क्या है, एक फायर वोर्टेक्स बन जाएगा, जिसकी वजह से आपके पोकेमोन को शील्ड मिल जाएगा और जितने भी ओपोनेंट के पोकेमोन होंगे उन्हें डैमेज मिलेगा। बट इस मूव के अंदर ओपोनेंट के साथ साथ आपके टीम के जो पोकेमोन होंगे उन्हें भी डैमेज मिलेगा थोड़ा बहुत, मतलब आपके टीम के जो पोकेमोन होंगे उन्हें थोड़ा बहुत डैमेज देखने को मिलेगा। और इसको भाई दो बार क्लिक करना होगा, मतलब जब पहली बार क्लिक करोगे तो फायर वोर्टेक्स बन जाएगा और जब दूसरी बार क्लिक करोगे तो एक हीट वेव आएगा, जिससे ओपोनेंट के पोकेमोन को और भी डैमेज मिलेगा। तो मूव वन में जो आपको दूसरा मूव देखने को मिलेगा, उससे क्या होगा, जो आपका जो पोकेमोन है वो बहुत ऊपर उड़ने लगेगा, जिसकी वजह से वो वॉल्स को भाई इग्नोर कर देगा, मतलब वॉल्स के ऊपर से निकल जाएगा। इसके साथ साथ उसकी मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाएगी और अटैक भी बढ़ जाएगा, और उसके जो 3 बेसिक अटैक होंगे वो एक एनहेंस अटैक हो जाएंगे, मतलब कि ज़्यादा डैमेज देंगे। और उसके साथ साथ जब वो नीचे उतरेगा तो भाई वो डैमेज देगा जैसे कि टैलोन देता है, मतलब जब टैलोन फ्लाई वाला मूव, जैसे जब वो नीचे आता है तो डैमेज देता है, सेम वैसे ही ये भी डैमेज देगा। तो मूव टू का जो पहला मूव आपको लेवल अप करने के बाद मिलेगा वो है भाई ये, और इसका नाम ही भाई गॉड बर्ड है। और जैसे कि भाई ये मूव काफी ज्यादा ओपी लग रहा है, इसके अंदर सिंपली क्या है भाई, ये एक सर्कल सा राउंड काटेगा जैसे कि ड्रैगापुल्ट करता है, और इसके अंदर भाई जो ये जमीन है, मतलब जो अपना ग्राउंड है, उसे जला देगा भाई बिल्कुल। और इसके अंदर जो भी पोकेमोन इसे टच करेगा इस जले हुए ग्राउंड को, उसकी स्पीड भाई स्लो हो जाएगी और उसके साथ साथ भाई उसे डैमेज भी देखने को मिलेगा और काफी सही डैमेज लगेगा मेरे ख्याल से, और ये काफी खतरनाक मूव होने वाला। तो अब बात करते हैं भाई मूव टू के सेकंड मूव के बारे में। तो इसके अंदर क्या है भाई, ये फ्लेम फेंकता रहेगा, जिसकी वजह से सामने वाले पोकेमोन उनका मूवमेंट स्पीड भी कम हो जाएगा, अटैक भी कम हो जाएगा और स्पेशल अटैक भी कम हो जाएगा, और वो थोड़ी देर तक जलते भी रहेंगे और पीछे भाई वो कुछ छोड़ जाएंगे, जिसकी वजह से भाई जो दूसरे पोकेमोन है, अगर वो उसे टच करेंगे तो वो भी जलने लगेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, जो मूव टू के दोनों मूव है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा डैमेज देते हैं और काफ़ी खतरनाक है। और अगर इन्हें गलती से भी बफ कर दिया तो भाई ये 50% पोकेमोन्स के भाई मेटा को एंड कर देगा, काफ़ी खतरनाक मूव है। और मजे की बात ये है भाई, ये डिफेंड रहता है, इसके पास HP भी होगा, और इसे गलती से कॉम्फी मिल गया तो हो गया भाई काम। तो अगर मैं कहूँ तो ये सबसे खतरनाक EX लाइसेंस होने वाला है। इसके मूव मेरे को बाकी 3 EX पोकेमोन से ज़्यादा खतरनाक लगे हैं। देखते हैं वो तो जब ये आता है तो क्या होता है। और मैं तो कह रहा हूँ कॉम्फी को भी EX बना दो भाई, क्योंकि इसके साथ अगर कॉम्फी आ गया तो भाई पता नहीं क्या ही होगा। कमेंट सेक्शन में बताओ भाई तुम कितना एक्साइटेड हो भाई इस पोकेमोन के लिए। तो भाई लोग अब बात करते हैं इसके यूनाइट मूव का। तो भाई इसका जो यूनाइट मूव है वो काफ़ी ज़्यादा ओपी है, और इसमें क्या होगा, जब इसका जो टीममेट होगा, मतलब जो आपका टीममेट होगा, जब वो मारा जाएगा तो वहाँ पे एक फैदर आ जाएगा थोड़े समय के लिए। तो जब ये ओहो जो पोकेमोन है, जब ये अपना यूनाइट चलाएगा तो जहाँ पे वो फैदर पड़ा है वहाँ पे भाई वो पोकेमोन वापस आ जाएगा, मतलब दोबारा जिंदा हो जाएगा। और मेरे ख्याल से इसमें रेंज का होगा, मतलब रेंज में होना चाहिए वो जो फैदर है, वो रेंज में होना चाहिए जो ओहो का यूनाइट मूव है उसके। और उसके साथ साथ इसे भाई जो यूनाइट मूव है उसे चलाने के लिए भाई एओस एनर्जी चाहिए होगा। तो जितनी ज़्यादा एओस एनर्जी होगी और जितने रेंज में होंगे जितने भी फैदर, वो सब वापस आ जाएंगे। मेनली अगर मैं कहूँ तो सेंटर फाइट में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, क्योंकि सेंटर फाइट में सब आसपास ही मरे होते हैं, तो सारे फैदर आसपास ही होंगे। तो सोचो 4-5 लोग मरे हुए हैं और ओहो जिंदा है और उसने भाई यूनाइट चलाया, तो पाँचों को पाँचों, मतलब चारों के चारों बंदे आ जाएंगे। तो भाई लोग ये थे ओहो के मूव सेट। अब मैं आपको इसका रिलीज डेट बता देता हूँ। तो भाई इसका रिलीज डेट तो मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बता देता हूँ ये कब आने वाला है। तो भाई ये एनिवर्सरी पे आने वाला है, जो अपना 3rd एनिवर्सरी है ना जुलाई के अंदर, तो उसमें आने वाला है नेक्स्ट मंथ।
और इसके अंदर भाई आपको ये फ्री देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी जो तीनों EX पोकेमोन अभी तक आए हैं वो तीनों के तीनों हमें फ्री देखने को मिले हैं और इवेंट से मिले हैं, और 15 दिन का उनका इवेंट आता है, उसे ग्राइंड करना पड़ता है वही डाइस वाला। तो बस यही है, तो पोकेमोन यूनाइट का जो तीसरा एनिवर्सरी है उसमें हमें ये पोकेमोन देखने को मिल जाएगा और ये फ्री होगा, क्योंकि बाकी के 3 EX लाइसेंस भी फ्री थे। तो बस यही है, तो फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।